स्टूडेंट्स हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये ईयर आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेना है और करके अपनी मंजिल को पा जाना है। आपके लिए चाहे IIT मेंस हो या नीट हो या आपको मेडिकल का एग्जाम हो या बैंक का हो या NDA का हो या CDS का हो, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स 10+2 के साथ साथ अपने करियर को अचीव कर ले। आपको अपना एम बनाना होगा, उस एम के अकॉर्डिंग रेगुलरिटी से पंक्चुअलिटी से अपनी स्टडी करनी होगी, आने वाला समय आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का क्या वर्क है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये कई टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके कंसिक्वेंसेज क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस केस में वर्क डन, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है और वो एक सर्कुलर पाथ पर चलता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI बोलते हैं, कैपिटल ई कैपिटल एम कैपिटल आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपके 10th क्लास का 12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। IIT मेंस और IIT एडवांस के लिए भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप में से जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या MBBS बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कौन से एक्सपेरिमेंट किए, आइए हम डिस्कस करते हैं। ओके, आइए हम डिस्कस करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इन 1820 ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हैड शोन दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। 1820 में आपको ये बात ऑलरेडी मालूम है कि हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने अपना ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह प्रूव किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसी को आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अब जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो जो माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, कई और साइंटिस्ट ने यह सोचा क्या इसका रिवर्स नहीं पॉसिबल है, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकती, या एक मूविंग मैग्नेट से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकती है। मीन्स अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मूविंग मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकती। और इस पर कई साइंटिस्ट ने एक लॉन्ग टाइम तक वर्क किया, जिनमें एक माइकल फैराडे थे इंग्लैंड के और एक जोसेफ हेनरी थे अमेरिका के। दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया
माइकल फैराडे एक आपके बुक बाइंडर थे, बुक बाइंडिंग करते थे, जो बुक्स आती थी उन्हीं बुक्स को पढ़ लेते थे और पढ़ करके जो नॉलेज हुआ। इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, 1825 से शुरू किया, लगातार कंटिन्यूअस 6 ईयर्स एक्सपेरिमेंट ये करते रहे, लेकिन अंत में इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन ये बड़े निराश हो गए, बहुत ही डिस्परेट हो गए। इन्होंने उठा के मैग्नेट को फेंक दिया तो देखा कि गल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। तुरंत इनको क्लिप पता लग गया कि हाँ, मूविंग मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। और 17 अक्टूबर 1831 में इन्होंने फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। जब इनसे ये पूछा गया कि व्हाट इज यूज ऑफ दिस, आपकी इस डिस्कवरी का क्या यूज है, तो इन्होंने आंसर दिया व्हाट इज यूज ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी, जब नया नया बच्चा पैदा होता है उसका क्या यूज होता है। तो वैसे इन्होंने जो इन्वेंशन किया, इन्हीं के इन्वेंशन के बेसिस पर आज जो घर में करंट आ रही है, आज जो जनरेटर है, मोटर है, करंट है, फैन है, ये जो डिफरेंट डिवाइसेज आप जिनका एंजॉय कर रहे हो वो इन्हीं की देन है। अगर इनका ये इन्वेंशन ना हुआ होता तो आज हम इन चीज़ों का आराम ना ले पाते। तो 17 अक्टूबर 1831 में इन्होंने फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया। आइए देखते हैं, माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जोसेफ हेनरी और इंग्लैंड में माइकल फैराडे। थॉट शुड द रिवर्स बी नॉट ट्रिप, क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अ मूविंग मैग्नेट विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, क्या एक मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। आंसर है यस, करेगा। मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। आफ्टर 6 ईयर्स वर्क, 6 ईयर्स के लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के बाद, एक लॉन्ग वर्क के बाद, ठीक है ना, ऑन 17 अक्टूबर 1831 में फैराडे प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट अ मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक 6 ईयर्स के लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल फैराडे 17 अक्टूबर 1831 को ये प्रूव कर सके एक्सपेरिमेंटली कि हाँ, एक मूविंग मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। मीन्स एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, एक मूविंग मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। और इसके लिए इन्होंने असरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। आइए अब हम इनके एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन करते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन का डिस्कशन करते हैं, उसके कंक्लूजन का डिस्कशन करते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, अब हम देखेंगे कि फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या रहा, अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो बाई ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडे हैड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडे का ऑब्जर्वेशन क्या था। आइए पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इन्होंने एक वायल ले लिया, उसमें एक गल्वनोमीटर कनेक्ट कर दिया और एक मैग्नेट ले लिया। जब इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव नहीं कराया, जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो देखा कि गल्वनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है। इसका मतलब यह हुआ जब भी कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी होंगे तो कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, करंट जीरो होती है। When the magnet is stationary, there is no deflection in the galvanometer, current I is zero. तो पहला इनका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ये था। आइए हम इनके दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें इन्होंने ये कॉइल है, इसमें गल्वनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये मैग्नेट लिया और मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये कॉइल के पास मूव करा रहे हैं। देखिए वी वेलोसिटी से
मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये कॉइल के पास ले आ रहे हैं। जब ये कॉइल के पास ले आते हैं तो दो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया और वो क्लॉकवाइज जो है डिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा इन्होंने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगी। दूसरा इन्होंने देखा कि जो कॉइल का फ्रंट पोर्शन था ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है। और जो सेकंड पोल आपका है, सेकंड एंड है कॉइल का, यहाँ करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो जब भी हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले आते हैं तो कॉइल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, करंट फ्लो करती है और कॉइल का फ्रंट वाला सरफेस नॉर्थ पोल की तरह और सेकंड वाला सरफेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। आइए देखें, हमें नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, अ करंट फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर, फ्रंट फेस ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल एंड सेकंड फेस एज ए साउथ पोल। फ्रंट फेस ये है, सेकंड फेस ये है, फ्रंट फेस नॉर्थ पोल बन जाता है, सेकंड फेस साउथ पोल बन जाता है। ये था इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट और उसका ऑब्जर्वेशन। आइए हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब अगेन जब इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में ला दिया, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, ये रीडिंग जीरो के पास आ गई। इससे ये प्रूफ हुआ कि जब मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होती है इस कॉइल के रेस्पेक्ट में, तभी तक गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करती है, डिफ्लेक्शन होता है। जब मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इफ मैग्नेट स्टॉप्ड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इट मींस करंट फ्लोज ओनली टिल द मैग्नेट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। जब ये मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इससे ये कंक्लूजन आया कि जब तक मैग्नेट मोशन में होता है कॉइल के रिस्पेक्ट में, दोनों में रिलेटिव मोशन होती है, तभी तक कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। आइए इनका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? अब इन्होंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले गए जो कॉइल से। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं कॉइल से, तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है और करंट फ्लो करती है। अब यहाँ पर जो फ्रंट फेस है कॉइल का, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और जो बैक फेस है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं कॉइल से, तब कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है, इसमें करंट फ्लो होती है और डिफ्लेक्शन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रंट फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज होती है, बैक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। आइए हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हो गया कि द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द करंट फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब जब साउथ पोल ले आते हैं मैग्नेट के कॉइल के पास, तब भी डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और ये फ्रंट वाला सरफेस कॉइल का साउथ पोल बन जाता है, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज हो जाती है, और ये बैक वाला सरफेस नॉर्थ पोल बनता है, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। व्हेन साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द कॉइल, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, नाउ द फ्रंट फेस बिकम साउथ पोल एंड सेकंड फेस बिकम नॉर्थ पोल। जब मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल की तरफ ले आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, करंट फ्लो करती है, अब कॉइल का फ्रंट सरफेस साउथ पोल बन जाता है और बैक सरफेस जो है नॉर्थ पोल बन जाता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या था? तो जब ये मैग्नेट के साउथ पोल को दूर ले जाते हैं तो उस केस में फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज, अब आपका जो है क्लॉकवाइज होता है और
इस केस में अब जो है सामने वाला फ्रंट सर्फेस कॉइल का नॉर्थ पोल बन जाता है और अपोजिट सर्फेस साउथ पोल बन जाता है और गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन होता है। अगला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, दो ऑब्जर्वेशन इनके आउट थे, आइए हम बताते हैं अगले दो ऑब्जर्वेशन क्या थे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर हम इस मैग्नेट को फास्ट मूव कराते हैं, जिस वेलोसिटी से पहले मूव कराते हैं तो उससे फास्ट मूव कराते हैं कॉइल की तरफ, चाहे कॉइल की तरफ मूव कराएं या कॉइल से दूर ले जाएं, तो गैल्वेनोमीटर में फास्ट डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो मैग्नेट को फास्ट मूव कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम कॉइल और मैग्नेट दोनों को सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करें तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इससे ये बात प्रूफ होती है कि केवल रिलेटिव मोशन होने पर ही जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, दोनों के दोनों रेस्ट में होंगे या दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम मैग्नेट को रेस्ट में रख लें, क्वाइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराएं, तो सेम वही ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं जो मैग्नेट को क्वाइल की तरफ मूव कराने पर हमें मिले थे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, अगर हम मैग्नेट को जब दो क्वाइल ले लें, एक में हम बैटरी कनेक्ट कर दें और की लगा दें, दूसरे में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, इसको प्राइमरी क्वाइल बोल दें, इसको सेकेंडरी क्वाइल बोल दें, तो जब प्राइमरी क्वाइल में की को क्लोज्ड किया जाता है उस समय यहाँ पर मोमेंटली डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, उसके बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। इसी तरीके से जब हम की को ओपन करते हैं तो उस समय फिर यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो सेम ऑब्जर्वेशन हम दो क्वाइल के थ्रू भी आप अटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक मैग्नेट हो एक क्वाइल हो, इसको प्राइमरी क्वाइल बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी क्वाइल बोल रहे हैं। तो ये रहा फैराडे के एक्सपेरिमेंट और उनके ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे कि इसके बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट दिया, फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ओके।